हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस BST व्यावसायिक अध्ययन के जो CBSE क्लास 11th है इसके चैप्टर आज हम 8 को डिस्कस कर रहे हैं। व्यावसायिक वित्त के स्रोत, मतलब कि व्यवसाय में हम वित्त यानी कि लोन कहां कहां से ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेसिकली इसमें एक स्टार्टिंग में चैप्टर का एक उदाहरण दिया गया बड़ा अच्छा से, कि जैसे कि अनिल सिंह कोई है जिसने पिछले 2 वर्ष में एक जल पान गृह मतलब कैंटीन चला रहा है। थोड़े ही समय से खाने के अद्भुत गुणवत्ता ने जलपान गृह को प्रसिद्ध कर दिया, मतलब उसको बहुत फेमस कर दिया कि वो अच्छी तरीके से जलपान गृह को चला पा रहा है। अपने इस व्यवसाय में सफलता से अभिप्रेरित अनिल विभिन्न संस्थानों पर इसी प्रकार के जलपान गृह की श्रृंखला खोलने की, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ब्रांचेस खोलना चाह रहा है। लेकिन अपने व्यवसाय के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके अपने निजी स्रोतों से उपलब्ध धन पर्याप्त नहीं है, मतलब अपने जहां से वो धन ले सकता है वहां से वो इतना धन उसे नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो बिजनेस को ग्रो कर सके, अलग अलग ब्रांचेस बना सके। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वे चाहें तो दूसरे जलपान गृह के स्वामियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, मतलब दोनों दूसरों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस ग्रो कर सकें। वह अधिक धन लगाएगा लेकिन यह वह व्यवसाय के लाभ एवं नियंत्रण में हिस्सेदार भी होगा। अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसमें उसे हिस्सेदारी भी चाहिएगी। अनिल बैंक से ऋण देने की भी सोच रहा है। वह चिंतित भी है एवं भ्रमित भी, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि वह कैसे एवं कहां से अतिरिक्त धन लगाएं। मतलब बहुत सारे सोर्स तो है लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहां से वो करे, इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है। वह इस समस्या पर अपने मित्र रमेश से विचार करते हैं। वह उन्हें दूसरे साधन जैसे कि अंश जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं एवं ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स के निर्गमन से संबंध में बताता है जो कंपनी संगठन को ही उपलब्ध है। वह अनिल को दूसरी चेतावनी भी देता है कि प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ एवं अपनी सीमाएं, कि वो उस चीज़ को जरूर सर्च कर ले किसी भी चीज़ में से पैसा लेने से पहले, तथा अंतिम निर्णय कोष के उद्देश्य एवं अवधि जैसे तत्वों पर ही निर्भर करेगा। अनिल इस पद्धति का अध्ययन करना चाहता है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर में। देखिए, विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है यह चैप्टर। धन जुटाने के विशेष स्रोतों विभिन्न स्रोतों के संबंध में जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है सोर्सेज जहाँ से आप धन को जुटा सकते हो जिससे कि आप व्यवसाय को आगे बढ़ा सको, इसके बारे में चैप्टर ओवरऑल है ये। व्यवसायिक वित्त का अर्थ एवं प्रकृति एवं महत्व क्या है। व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, ये तो सभी को पता है, बिना धन के तो कोई भी व्यवसाय आगे नहीं चल सकता। व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को व्यवसायिक वित्त भी कहते हैं यानी कमर्शियल लोन। उद्यमी जो पूंजी प्रारंभ में लगाता है वो व्यवसाय के वित्त की पूरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती, मतलब अगर उसे फ्यूचर में और बिजनेस को ग्रो करना है तो उस टाइम वो स्टार्टिंग में जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो उसके लिए वो पूंजी वो कैपिटल पर्याप्त नहीं होगी, उसको और पूंजी आगे ग्रो करने के लिए बिजनेस में डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ के निर्णय के समय ही पैदा हो जाती है, मतलब कि जब उसने सोचा कि मुझे ये व्यवसाय स्टार्ट करना है, इस बिजनेस में आगे जो है अपना कमर्शियल रूप में स्टार्ट करना है, तो उसके टाइम पे ही उसकी वो उसको निर्णय लेने चाहिए। कुछ राशि की आवश्यकता तो तुरंत ही हो जाती है, जैसे कि संयंत्र लगाना है, मशीनरी लगानी है, फर्नीचर लगाना है एवं अन्य जिसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं, वो सब चीज़ लगाने के लिए, फिक्स असेट्स को लगाने के लिए वो सब चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु। इसी प्रकार से कुछ कोषों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी होती है, जैसे कच्चे माल को खरीदना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, तो ये आपके रोजाना की ज़रूरतें हो जाएंगी। इसी प्रकार से जब व्यवसाय को बढ़ाना होता है तब धन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकताओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्थायी पूंजी की आवश्यकता, मतलब फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि भूमि खरीदनी है, भवन खरीदना है, संयंत्र एवं मशीनरी फर्नीचर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। निवेश लंबी अवधि तक रहता है इसके अंदर, ये सबसे बड़ी खास बात है, जो विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति आदि। उदाहरण के लिए व्यापारिक इकाई को विनिर्माण इकाई की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से स्थायी पूंजी की आवश्यकता एक छोटे उद्यम की अपेक्षा एक बड़े उद्यम को ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा मशीनरीज ठीक है और ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको उस चीज़ की नीड ज़्यादा होगी फिक्स कैपिटल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं, जो दिन रोजाना की जैसे कच्चे माल वगैरह खरीदना है उसके लिए जो दिन प्रतिदिन उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात हो रही है। व्यवसाय कितना भी बड़ा अथवा छोटा हो उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होती ही है। इसकी आवश्यकता माल का स्टॉक रखने के लिए,
प्राप्य बिल जैसे कि हमने कुछ उधार दे दिया उसके लिए, जैसी चालू संपत्तियों के लिए एवं वेतन देने के लिए, मजदूरी, टैक्स एवं किराया जैसे वर्तमान खर्चों के भुगतान के लिए होती है। अलग अलग व्यवसायिक इकाइयों के लिए अलग अलग होती हैं इसकी आवश्यकता, जैसे कि कई तत्वों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए उधार का माल का विक्रय करने अथवा कम बिक्री आवर्त वाली इकाई को माल अथवा सेवाओं की नकद बिक्री, मतलब कि कैश में आप उसको आगे बिक्री कर रहे हो या फिर आप उधार में सामान खरीद रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए अथवा अधिक आवर्त वाली इकाई की तुलना में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत तब पड़ती है जब मान लो उसने उधार में सामान खरीदा, आगे उधार में बेच रहा है या आगे नकद में बेच रहा है या आगे उधार में बेच रहा है, खरीद नकद में रहा है, तो उस टाइम उसको या फिर कोई स्टॉक थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखना है उसको, ताकि कस्टमर कभी भी आए तो उसको सामान वो दे सके। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की, रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के साथ बढ़ भी जाती है, जैसे कि त्योहारों के मौसम के लिए अधिक स्टॉक जमा करने, जैसे कि त्यौहार आ रहा है, कोई दिवाली आ रहा है, तो उसके लिए उसको अधिक से स्टॉक रखना पड़ेगा, जो कि उसको पता है 3-4 महीने के अंदर वो स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। जो दिवाली आएगा, कोई पर्टिकुलर त्यौहार आएगा, तो उस टाइम के लिए उसको पहले से कैपिटल लगा के रखनी पड़ेगी, सामान बनाना पड़ेगा, माल उठा के बाजार से, ठीक है। अथवा चालू देनदारी का भुगतान करने, मतलब कोई देनदारी उसको भुगतान करना है कि व्यवसाय के विस्तार करने के लिए अथवा इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वित्त धन के स्रोतों का वर्गीकरण भी कैसे किया जाता है, यहाँ पर इन्होंने एक टेबल भी दी हुई है इसके रिगार्डिंग, इसको अगर नीचे डिस्क्राइब इन्होंने किया हुआ पूरा, इसको वर्गीकृत को निश्चित किया गया अवधि के आधार पर, मतलब कि ड्यूरेशन कितनी चाहिए, तो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, दीर्घ अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म, मध्यम अवधि यानी मिडिल टर्म एवं अल्पावधि यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि स्रोत व्यवसाय की 5 वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं, जैसे कि शेयर एवं डिबेंचर में वो पैसा उठा सकता है उसके थ्रू लंबी अवधि के ऋण के लिए, एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकता है उसके लिए, वो कि उसको दीर्घ अवधि के लिए चाहिए, जल्दी उसको चुकाना नहीं है इस चीज़ को। यदि पूंजी 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम यानी 1 से 5 वर्ष के बीच की होगी के लिए चाहिए, तो मध्यम अवधि वित्त के स्रोत का उपयोग करेंगे। इन स्रोतों के लिए देखो, इन स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक से ऋण यानी कमर्शियल बैंक से आप जाकर ऋण ले सकते हो, सार्वजनिक जमा कर सकते हो, लीज वित्तीय भी आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, एवं वित्तीय संस्थानों से भी ऋण लिया जा सकता है, जो कि मिडिल टर्म का आ रहा है। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पूंजी की आवश्यकता को लघु अवधि वित्त कहते हैं, क्योंकि वो कुछ 12 महीने या उससे कम में रहते हैं। लघु अवधि पूंजी के स्रोतों के उदाहरण हैं जैसे कि व्यापार की साख को बनाना, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना एवं वाणिज्यिक प्रपत्र भी निकाले जा सकते हैं। थोक व्यापारी एवं विनिर्माण जिसकी अधिकांश संपत्ति रहतिया यानी कि प्राप्यनीय के रूप में होती है, मतलब कि फिक्स में नहीं होती है, आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, उनको अल्प अवधि के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट आगे बताया गया है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कि उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर भी फर्क पड़ता है कितने उसको कैसे चाहिए। स्वामित्व कोष का अर्थ है वह कोष जो उद्यम के स्वामियों ने दिया है, स्वामी मतलब प्रोपराइटर्स ने दिया है, मालिक ने दिया है। ये स्वामी एकल व्यापारी या साझेदार या कंपनी के अंशधार भी हो सकते हैं, मतलब उन्होंने खुद ही शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। पूंजी के अतिरिक्त इसमें लाभ का वह भाग जो व्यवसाय में पुनः निवेशित भी है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, जो उसने फिर दोबारा उसको उसमें मान लो कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का पार्ट उसने वही दोबारा उसमें फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है। समता अंशों का निर्गमन एवं संचित आय वे 2 मुख्य स्रोत हैं जिनमें स्वामीगत कोष प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब कि स्वामियों से प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर ऋणगत कोष से अभिप्राय ऋण एवं उधार लेने के माध्यम से कोष एकत्रित करना, मतलब हमने उधार लेके किसी बाहर वाले से किया है। ऋणगत स्रोतों के में जैसे कि वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेना, कमर्शियल बैंक से जाकर आपने ऋण ले लिया, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले लिया, ऋण पत्रों का निर्गमन कर दिया मतलब इशू कर दिए, या फिर सार्वजनिक ऋण एवं व्यापारिक साख सम्मिलित है। इन स्रोतों से कोष एवं निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर लौटाना भी पड़ता है। सामान्यतः किसी स्थायी
संपत्ति की जमानत पर ही ये कोर्स दिए जाते हैं। मतलब आपने कोई ना कोई गिरवी रखोगे कोई चीज़ वहाँ पे, कोई आपने जैसे ज्वेलरी रख दी, आपने कोई अपने बैंक में जाके अपने व्यवसाय के कागज़ों को जमा करा दिया, लैंड के ज़मीन के कागज जमा करा दिया, कुछ भी हो सकता है, वो जिसकी कोई वैल्यू है उसको आप जमा करा के तभी गिरवी रख के ही आपको लोन दिया जाता है। आंतरिक एवं बाह्य सुविधाओं के आधार पर भी लोन लिया जाता है। जैसे कि आंतरिक स्रोत वे हैं जो संगठन में से ही जुटाए जाते हैं, मतलब संगठन के इंटरनल सोर्स, अपने ही कर्मचारियों से या अपने ही साझेदारों से भी जुटा लिया। उदाहरण के लिए एक व्यवसाय प्राप्य बिलों की वसूली की रफ्तार बढ़ाने से, मतलब कि जो बिल की वसूली बड़ा रफ्तार बढ़ाएगा तो उसको अपने आप धन मिल जाएगा। अतिरिक्त स्टॉक को बेचने, जो उसका एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया उसको फटाफट किसी भी रेट में निकाल देगा, एवं और अपने लाभों को पुनः विनियोग के द्वारा, मतलब अपने लाभ को जो उसने प्रॉफिट अर्न कर रखा था उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर सकता है, के द्वारा आंतरिक कोष भी पैदा कर सकता है। कोषों के आंतरिक स्रोत व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं, मतलब कि एक लिमिटेड आवश्यकताओं की पूरी करेगा, सबको वो नहीं कर पाएगा। आगे है कोष के बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत मतलब बाहर से आपने किसी और पर्सन से जाके लोन ले लिया, मिस संगठन से बाहर के स्रोत, जैसे कि आपूर्तिकर्ता जिसने आपको पैसा दिया है, आपने कोई सामान दिया है, आप उसने सामान दिया है, कुछ आपूर्ति को सप्लाई करी है, उससे आपने ले लिया, ऋणदाता से ले लिया, एवं निवेशकर्ता भी सम्मिलित हो सकते हैं। आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाना अधिक खर्चीला तो होता है, क्योंकि ज़्यादा आपसे अपना बंदा है तो वो आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, कुछ जमानत भी नहीं रखवाएगा, लेकिन बाहर वाला ये सब चीज़ करेगा। ठीक है, अपनी संपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप बाह्य स्रोत से कोई ऋण लोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए अपनी संपत्तियों को गिरवी तो रखना पड़ेगा। इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन, वाणिज्यिक बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लेना एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार करना पूंजी के बाह्य स्रोतों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं। थैंक यू।